नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीपेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आंध्र प्रदेश का पीजीसीईटी एग्ज़ाम 2015 में जो हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारी एमफार्मा की सीट्स हैं और उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे पीजीसीईटी नाम दिया गया है। तो देखिए, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बताते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेना, कुर्ची एंड एफेड्रा। सेकेंड ऑप्शन इज फैनल, सिंकोना एंड गॉट। थर्ड ऑप्शन इज जेलेटिन, कटेचू एंड अगर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्वेशिया, जिंजर एंड बेलाडोना। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो यहाँ पर हमें मॉर्फोलॉजी को एम्फेसिस करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो जो ग्रुप बनाया गया है, जिलेटिन कटेचू नगर, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने आज पूछा है, फैनल फ्लेनल बैंडेज इज मेड अप ऑफ। द फर्स्ट ऑप्शन इज वूल, सेकंड ऑप्शन इज सिल्क, थर्ड वन इज कॉटन वूल एंड नाइलॉन, फोर्थ ऑप्शन इज, सो द करेक्ट आंसर इज सिल्क। सिल्क से जो ही फ्लेनल बैंडेज बनाया जाता है, बाकी वूल, कॉटन वूल एंड नाइलॉन से ये नहीं बनाया जाता है। ओके, सो सिल्क इज़ करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज काइनेटिन, सेकंड इज जिएटिन, थर्ड वन इज एडिनिन एंड फोर्थ वन इज इथेफोन। सो द जिएटिन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। रेस्ट अदर वन आर नॉट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। The fourth question is, adulteration by substitution with an exhausted drug is more common in case of. तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि adulteration के बारे में पूछा गया है, and the second one is exhausted drug, कौन कौन सी जो exhausted drugs हैं उनके केस में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो द ऑप्शंस आर गिवन, नक्स फोमिका, सेन्ना, फैनल एंड वसाका। सो द करेक्ट आंसर इज फैनल। फैनल के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द एक्सट्रैक्ट विद इथाइल अल्कोहल इज मोर फॉर। द फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजोइन, सेकंड वन इज एसाफोइटिडा, थर्ड वन इज अलॉय एंड फोर्थ वन इज गूगल। सो द करेक्ट आंसर इज द बेंजोइन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकोनिटीन इज प्रोटो एल्कलॉइड, ट्रू एल्कलॉइड, सिंपल एल्कलॉइड एंड स्यूडो एल्कलॉइड। तो देखिए, इसके लिए आपको एल्कलॉइड्स के हमने जो टाइप्स होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइप्स, एकोनिटीन इज स्यूडो एल्कलॉइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बार्क ऑफ सिनेमोनम बुरमानी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। The first option is quills, second one is compound quills, third one is double quills and fourth one is flats. So the correct answer of this question is double quills. The C option is correct. Next question is, glandular trichome consists of a unicellular stalk and a head consisting of 2, 4 or 8 cells with a cuticular sac is found in. So the first option is crocus sativus, next one is mentha piperata, third one is citrus amara and fourth one is citrus limon. So the correct option for this is, देखिए यहाँ पर crocus sativus, आप सबको नाम हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से plants है। So crocus sativus जो है आपकी केसर होती है, मेंथा आप जानते ही हैं, साइट्रस जो है लेमन और ये साइट्रस फ्रूट्स हैं। ओके, सो देखिए इसमें ऑप्शन जो करेक्ट जाएगा हमारे पास में, मेंथा पाइपरेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंडुलर ट्राइक्रोम्स आप में मिलते हैं और यूनिसेलुलर स्टार्क्स में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू फ्लोरिसेंस इन वाटर इज गिवन बाय। सो द ऑप्शंस आर इर्गोमेट्रिन, रेसरपाइन, ब्रोसिन एंड विनक्रिस्टीन। ओके, so the correct answer for this option is ergometrine. Next one is,
is a quinoline alkaloid which exhibit anti-cancer activity. Taxol, camphorthiazine, vinblastine and podophyllotoxin. Okay, so आपको ये देखना है कि देखिए options में चारों ही सारे ही compound ऐसे हैं जो कि anti-cancer activity exhibit करते हैं, but हमें ये देखना है कि quinoline alkaloid किस में मिलता है. Okay, so देखिए जो camphorthiazine जो है उसमें हमें quinoline alkaloid मिलता है. Rest जो taxol है, vinblastine and podophyllotoxin है उसमें जो है quinoline alkaloid नहीं मिलता है. Okay, now देखिए the next question is the induction of meristem as well as the organogenesis are achieved with the plant tissue culture medium containing appropriate levels of. तो इसमें पूछा गया है कि sugar and vitamins होने चाहिए या vitamin and micronutrients, auxin and cytokines and micro and macronutrients. Okay, so the correct option is auxin and cytokines, because देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, उसके लिए हमें हार्मोन्स और साइटोकाइनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 10-12% ऑफ सरफेस सर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल. मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम जो है प्लांट मटेरियल्स के सरफेस स्टेलाइजेशन के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करते हैं. सोडियम हाइपोक्लोराइड, माइक्रोक्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज़ नहीं करते हैं. सो द मोस्ट करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइबर्स सॉल्यूबल इन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर. तो कौन कौन से फाइबर्स जो हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्यूबल हो जाते हैं. द ऑप्शन आर सिल्क, कॉटन वूल, वूल एंड एस्बेस्टिस. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूटाथरीन यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय ग्लूटाथरीज एंड वाटर. सो द ऑप्शंस गिवन मिथाइल बेंजोएट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट एंड मिथाइल सैलिसिलिक एसिड. ओके, सो देखिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज किया गया है कि ऑप्शन उन्होंने काफ़ी सारे सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड दिए हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि एसिटाइल सैलिसिलेट और मिथाइल सैलिसिलिक एसिड और मिथाइल सैलिसिलेट. तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपिलोज सेल्स आर प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ. प्लेथिसेन्ना, डॉगसेन्ना, बॉम्बे सेन्ना एंड मैक्का सेन्ना. देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली जो दिए गए हैं वो सारी सेन्ना की अलग अलग वेराइटीज़ हैं. तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से सेन्ना की जो वेराइटी है उसमें पेपिलोज सेल्स मिलती है, वो भी लोअर एपिडर्मिस रीजन में. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है बॉम्बे सेन्ना जो है, बॉम्बे को आपको बॉम्बे सेना जो है वो करेक्ट आंसर होगा. तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे भी बॉम्बे जो है वो हमारे इंडिया में नीचे की साइड में आता है. अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो हम जब मूव करेंगे तो वो नीचे की साइड में आएगा. तो आप इस तरह से भी इसको लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बी सीरीज ऑफ जिन सेनोसाइट्स आर एन ग्लाइकोसाइड्स, मोनोडेस्मोसाइडिक सी ग्लाइकोसाइड, बिस डेस्मोसाइडिक ओ ग्लाइकोसाइड, बिस डेस्मोसाइडिक सी ग्लाइकोसाइड. तो देखिए इसमें आपको पहली बात तो ये है कि जिन सेनोसाइट्स जो हैं उसके बारे में आपको याद होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पर जो एन ग्लाइकोसाइड्स दिया हुआ है और सी ग्लाइकोसाइड दिया हुआ है, ओ ग्लाइकोसाइड भी दिया हुआ है और सी ग्लाइकोसाइड भी दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर जो है ये बिस डेस्मोसाइडिक ओ ग्लाइकोसाइड जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्पर्मेटीसी. द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलिव ऑयल, सेकेंड ऑप्शन इज डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, थर्ड वन इज हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, फोर्थ वन इज नीम ऑयल. ओके,
So the correct answer is hydrogenated castor oil. Next question is, when triturated with water it forms a colored emulsion. कौन जो है कलर्ड इमल्शन बना लेता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉलोफोनी, सेकेंड वन इज मिर एंड थर्ड वन इज बालसम ऑफ टोलू एंड फोर्थ वन इज बंजोइन. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपेन शो मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी बिटवीन पीएच. कौन सी पीएच के अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी पीपेन जो है सबसे अच्छी शो करता है, मैक्सिमम शो करता है? बिटवीन 5 टू 6, between 7 to 8, between 3 to 4 and between 8 to 9. Okay, so correct answer is between 5 to 6 जो है ये बिल्कुल अपनी highest activity show करता है. Next question है हमारा, the active ingredient of Trifla in Ayurvedic preparation are Mahirwalan, Arjuna, Amla. Second option है Arjuna, Amla and Gambier. Third one is Amla, Arjuna and Bahira. फोर्थ ऑप्शन इज मायरोबलान, बहरा एंड आमला. ओके सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मायरोबलान, बहरा और आमला. त्रिफला के अंदर ये तीनों होते हैं और ये काफ़ी फेमस मेडिसिन है, तो ये बहुत सी बार ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट भी होता रहता है. देखिए ये यहाँ पर लगभग जो है ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो हैं आपके फार्माकोग्नोसी सेक्शन से पूछे गए हैं एक साथ. नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द फॉलोइंग बारबिट्यूरिक एसिड्स आर इनएक्टिव एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. फोर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं अलग अलग. अब यहाँ देखिए आयुपेक नेम दिए हुए हैं. ओके सो सारे ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी जो हैं ऑल ऑफ द ऑप्शन जो हैं इसमें आंसर जाएगा क्योंकि ये सारे ही इनएक्टिव हैं. ओके नहीं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूज ट्रायाजोल रिंग कंटेनिंग बेंजोडाइजेपिन सच एज अल्प्राजोलम आर. ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग एक्टिंग बिकॉज दे आर नॉट रैपिडली मेटाबोलाइज. बी ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट एक्टिंग बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज. थर्ड ऑप्शन इज शॉर्ट एक्टिंग बिकॉज रैपिडली मेटाबोलाइज बाय कंजुगेशन ऑफ 3OH ग्रुप. फोर्थ ऑप्शन दिया है शॉर्ट एक्टिंग बिकॉज इट इज रैपिडली एंड डी मिथाइलेटेड टू अ पोलर मेटाबोलाइट. ओके यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो देखिए ये काफ़ी मीन्स SAR बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिन्होंने बेंजोडाइजेपिन का SAR करेक्टली किया होगा वो बच्चे अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें देखिए जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो शॉर्ट एक्टिंग बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज्ड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाई मिथाइल कार्बेमाइल ग्रुप प्रेजेंट इन न्यू स्टिग्माइन confer the following property when compared to a methyl carbamyl present in physostigmine. तो यहाँ पर आपको देखिए neostigmine और physostigmine दोनों की जो properties हैं उनके difference आपको learn होने चाहिए. okay so the greater potency and longer duration of action, greater metabolic stability, greater chemical stability towards hydrolysis and fourth option is given is B and C. but देखिए यहाँ पर greater chemical stability toward hydrolysis जो है वो यहाँ पर जो नियोस्टिग्माइन है उसका डाइमिथाइल कार्बोमाइल ग्रुप जो नियोस्टिग्माइन में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ग्रेटर केमिकल स्टेबिलिटी हाइड्रोलाइसिस के अगेंस्ट आती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास में है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेमावास्टेटिन हैज अ ग्रेटर प्रायोरिटी ड्यू टू इट्स लोअर प्रोटीन बाइंडिंग, एटरवास्टेटिन इज अ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोडक्ट एक्टिवेटेड इन द लीनियर बाय हाइड्रोलाइसिस, एट्रोवास्टेटिन शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विद द एम्लोडिपिन ड्यू टू ड्रग इंटरैक्शन एंड लोवास्टेटिन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लोवास्टेटिन एंड सिमवास्टेटिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट्स. देखिए ऑल सारे जो ऑप्शंस हैं वो ए बी और सी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसमें से रॉन्ग है. तो एक आप हमेशा याद रखिए कि स्टेटिन पर हमेशा किसी न किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप स्टेटिन हमेशा लर्न करके जाएं क्योंकि स्टेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरलिपिडर्मिक ड्रग्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट
पायरिमेथामिन इनहिबिट, ये ऑप्शन दिया हुआ है थाइमिडाइलेट सिंथेटेस एंड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, बी ऑप्शन इज थाइमिडाइलेट सिंथेटेस ओनली, थर्ड ऑप्शन इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन इज डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर जाएगा दैट इज थाइमिडाइलेट सिंथेटेस एंड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो पायरिमेथामिन जो है वो दोनों को ही इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द केमिकल नेम ऑफ डाई फिनाइल हाइड्रामाइन इज। ओके, सो डाई फिनाइल हाइड्रामाइन जो है उसका करेक्ट नेम है 2-diphenylmethoxyNN-dimethylethanamine। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नाइफेडिफिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड अमोनिया एंड मेथाइल एसीटोएसिटेट। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड दिया गया है जिसकी सिंथेसिस पूछी गई है वहाँ उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। ओके, तो जनरली हमेशा जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर सिंथेसिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें प्राइमरी कंपाउंड्स कौन कौन से लिए गए हैं उस पर क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसमें ओ नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन जो है अमोनिया एंड मिथाइल एसीटो एसीटेट। ओके, तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि क्योंकि ऊपर के जो फर्स्ट ए बी सी ऑप्शन हैं इसमें से मिथाइल एसीटेट। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फंक्शनल ग्रुप अलग से लगा हुआ है प्लस पोजीशन नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की जो है नाइट्रोबेंजल्डिहाइड उस ग्रुप की पोजीशन क्या है वो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल। ओके, सो द ऑप्शंस गिवन आर वन नेफ्थॉल एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड आइसोप्रोपाइलेमाइन, सेकेंड इज 2-नेफ्थॉल एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड आइसोप्रोपाइलेमाइन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दे डिफरेंशिएट बिटवीन सम ऑफ द कंपाउंड, द करेक्ट आंसर इज 1-नेफ्थॉल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरमीडिएट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। सो कौन सा इंटरमीडिएट जो है वो यूज़ किया जाता है एसिटाजोलामाइड। ओके, तो इन सब के लिए आपको मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो एसिटाजोलामाइड है या जो भी कंपाउंड पूछा गया है उसकी हमें स्ट्रक्चर आपको हमेशा पता होना चाहिए, इससे आप हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का इंटरमीडिएट बन रहा होगा और किस तरह के कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहा होगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5-amino-2-mercaptopril-1,3-4-thiadiazole। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो फाइनल जो आपका कंपाउंड है वहीं पर थायाडायाजोल है इसके अंदर प्लस सी ऑप्शन और फोर डी ऑप्शन में देखिए मर्केप्टो यहाँ पर आ रहा है और इसमें मर्केप्टो नहीं है। ओके, तो ये हमें एसिटाजोलामाइड के स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोक्सिसिलिन हैज़ अ फॉलोइंग एडवांटेज व्हेन कंपेयर्ड विद बेंजिल पेनिसिलिन। ओके, सो बेंजिल पेनिसिलिन इज इफेक्टिव ओरली ओनली व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद द एंटासिड वेयर एज एमोक्सिसिलिन इज ओरली इफेक्टिव अलोन। ओके, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, सो अमीनो ग्रुप ऑफ एमोक्सिसिलिन रिड्यूसेस इट्स रेजिस्टेंस टू अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, अमीनो ग्रुप ऑफ एमोक्सिसिलिन रिड्यूसेस इट रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइसिस बाय बीटा लैक्टामेस, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इज ब्रॉडेंड इन केस ऑफ एमोक्सिसिलिन। सो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट ऑप्शन बेंजाइल पेनिसिलिन इज इफेक्टिव ओरली ओनली वैन एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड वेयर एज एमोक्सिसिलिन इज ओरली इफेक्टिव अलोन। ये
ऑप्शन करेक्ट है. प्लस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज ब्रॉडन इन केस ऑफ एमोक्सिसिलिन, ये ऑप्शन करेक्ट है. सो तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजिमिडाजोल रिंग इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ड्रग. ओके, मेट्रोनिडाजोल, ओमिप्राजोल, साइमेट्रिडीन एंड सल्फा मिथायाजोल. ओके, तो यहाँ आपको याद देखना है कि हीट्रोसाइक्लिंग ये बेंजिमिडाजोल रिंग है वो किसके अंदर प्रेजेंट है. तो ओमिप्राजोल जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर ये बेंजिमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द माइनर मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफोसामाइड विच इज बोथ न्यूरोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक. तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है न्यूरोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, फॉस्फोरेमाइड, मस्टर्ड, एक्रोलीन, क्लोरोएसिटाल्डिहाइड एंड कार्बोनोलेमाइन. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमको साइड इफेक्ट लर्न करने पड़ेंगे कि किसका साइड इफेक्ट क्या होता है. सो क्लोरोएसिटाल्डिहाइड जो है हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों ही साइड इफेक्ट ये कॉज करता है. क्योंकि यही मेटाबोलाइट जो है इसके अंदर होता है. डॉक्सोरूबिसिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि डॉक्सोरूबिसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. डॉक्सोरूबिसिन इज एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर. इट इज़ एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक, इट इज़ अ पोडोफाइलोटॉक्सिन और इट इज़ अ एंटीमेटाबोलाइट एंटी कैंसर एजेंट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज़ एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर. ओके, तो ये क्योंकि एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव है, बाकी एक्टिनोमाइसिन भी नहीं है, पोडोफाइलोटॉक्सिन भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीवोफ्लोक्सासिन इज सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, 3S आइसोमर, बी एंड सी ऑप्शन. देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको चकमा देने का कोशिश किया है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो लीवोफ्लोक्सासिन, ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही आप इसको हटा देंगे कि ये है नहीं सिफिलोस्पोरिन, क्योंकि लीवोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है. बट यहाँ एग्जामिनर देख रहा है कि क्या ये 3S आइसोमर है. ओके, तो देखिए ये लीवो है, ठीक है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास में बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपरेंट डिफरेंस बिटवीन क्लोनिडिन अल्फा टू एडेनर्जिक एगोनिस्ट एंड अल्फा वन एगोनिस्ट ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इज. तो देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस्ड पर. तो यहाँ पर जो इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, तो उस स्ट्रक्चर को जब आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो CH2 ब्रिज ऑन C1 द फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है. ये CH2 ब्रिज ऑन C1 ऑफ इमेटाजोलिन ऑफ एल्वान इज रिप्लेस बाय अमीन NH इन क्लोनिडिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. वारफेरिन इज कोमेरिन डेरिवेटिव, हेपरिन इज आल्सो नोन एज अ हेपरिनिक एसिड, हेपरिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, फेनिंडायोन एक्ट बाय सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू दैट ऑफ कोमेरिन डेरिवेटिव. तो क्वेश्चन आपका जो है एंटीकोलिन चैप्टर्स है. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो यहाँ पर देखिए हेपरिन जो है हम उसको ओरली नहीं दे सकते, बाकी और सारे ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट हैं. सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, उसको बोल्ड भी किया गया है ताकि बच्चों को ध्यान रह जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि मेजर प्रॉब्लम एसोसिएट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज, कि नाइट्रेट के साथ में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. सो वॉलिडिटी कैन लीड टू द लॉस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द डोजेस फॉर्म, लो बायोलिटी ड्यू टू द ग्रेटर लाइपोफिलिसिटी, पुअर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर सॉल्युबिलिटी मेक द अनसुटेबल फॉर मेकिंग द लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉलिटिलिटी कैन लीड टू लॉस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द डोजेस फॉर्म, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. द लोकल एनेस्थेटिक यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर
अरिथमिया। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा, सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास में, कि कौन सा लोकल एनेस्थेटिक हम अरिथमिया में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें लीडोकेन ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका लीडोकेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोलैप्टिक यूज एज ए IM डिपोर्ट इंजेक्शन। कौन सा न्यूरोलैप्टिक जो है, हम दो चीज़ें पूछेंगे, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूरोलैप्टिक एंड सेकेंड जो है वो IM डिपोर्ट इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जा सकता है। ओके सो और इम्पोर्टेंट बात है कि वो लॉन्ग एक्टिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर फ्लूफेनाजीन डिकोनेट जो है दैट इज़ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आता है इनफेनाइल इथेनोलेमाइन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, द एक्टिविटी चेंजेस एज फॉलो एज द साइज ऑफ द सब्सिट्यूएंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन टू मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। देखिए SAR बेस्ड क्वेश्चन है ये, और SAR बेस्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि एक्टिविटी एट बीटा रिसेप्टर डिक्रीजेस, एक्टिविटी एट बीटा रिसेप्टर रिमेन अनचेंज, एक्टिविटी एट अल्फा रिसेप्टर इंक्रीज एंड एक्टिविटी एट अल्फा रिसेप्टर डिक्रीज एंड बीटा रिसेप्टर इंक्रीजेस। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक्टिविटी एट अल्फा रिसेप्टर जो डी ऑप्शन है हमारे पास में, अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज होगी और बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रिंसिपल इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द येलो स्टेन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ। देखिए आपको यहाँ पर आर्सेनिक का जो है लिमिट टेस्ट पता होना चाहिए कि उसका क्या बेसिक कंसेप्ट है। ओके सो देखिए यहाँ पर जो है द फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास में, आर्सिन गैस विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो यहाँ पर आर्सिन गैस का जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में जब रिएक्शन होगा तो ही वो येलो स्टेन देगा। ओके सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलामाइन इज, कि कैलामाइन क्या है, कैलामाइन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ओके सो क्या ये एंटासिड है कंटेनिंग जिंक क्लोराइड विद स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, अ टॉपिकल प्रोटेक्टिव कंटेनिंग जिंक एसिटेट विद स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, अ टॉपिकल प्रोटेक्टिव कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड और अ लुब्रिकेंट। सो देखिए ये कैलामाइन लोशन आप लोगों ने लगाया भी होगा एज ए कॉस्मेटिक, या फिर कभी किसी को एंटी मीन्स वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, स्मॉल पॉक्स हुआ हो, चिकन पॉक्स हुआ हो, तो उस केस में भी डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल प्रोपोर्शन, तो ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जिंक क्लोराइड इज एस्ट्रिंजेंट एंड डेंटिन सेंसिटाइजर, स्टेनस फ्लोराइड इज डेंटिफ्राइजेस, सोडियम फ्लोराइड शुड नॉट बी यूज एज अ डेंटल प्रोडक्ट एंड सोडियम कार्बोनेट इज वाइडली यूज एज ए एंटी कैरीज एजेंट। देखिए यहाँ पे आप इसे जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो हमारे पास में जिंक क्लोराइड इज ए एस्ट्रिंजेंट एंड डेंटिन सेंसिटाइजर, ये जो है हमारे पास में ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ फेरिक अमोनियम साइट्रेट द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व। ओके सो रिएक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट विद साइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट विद अमोनिया एंड रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विद अमोनिया। ओके सो द करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा रिएक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेमटेनिक, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ओके सो देखिए हेमटेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जो कि हमारे बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सीधा सा फेरिक अमोनियम साइट्रेट को करेक्ट कर दीजिए क्योंकि फेरिक जो आयरन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वान डर वाल फोर्सेज डज नॉट इंक्लूड, कीसम फोर्सेज, डिवाई फोर्सेज, लंदन फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड।
देखिए वंडरवर्ल्ड फोर्सेस में, वंडरवर्ल्ड फोर्सेस के अंदर ये पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट जाएगा, हाइड्रेंट बॉन्ड जो है वंडरवर्ल्ड फोर्सेस के अंदर नहीं होते हैं, बाकी सारे ही फोर्सेस वंडरवर्ल्ड फोर्सेस के अंदर होते हैं। लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये जो चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हैं उसमें सबसे जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीजोफेज इज नथिंग बट क्रिस्टलाइन स्टेट, अमॉर्फस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम शो बोथ अपर एंड लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर्स, ट्राइथाइलामिन वाटर, फिनॉल वाटर, निकोटीन वाटर एंड बंजीन एंड वाटर। सो निकोटीन एंड वाटर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरोसिटी इज वॉइड वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, रेशियो ऑफ ट्रू वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। एंडरसन एपरेटस इज यूज टू मेजर मेनली सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल साइज, सस्पेंशन वॉल्यूम, सस्पेंशन वेट, सस्पेंशन पार्टिकल मॉर्फोलॉजी। ओके, सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा द फर्स्ट ए सस्पेंशन पार्टिकल साइज। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी डेंसिटी, डेंसिटी टू विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर, रेट ऑफ शेयर एंड शेयर स्ट्रेस। ओके, तो देखिए ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का रेशियो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, स्ट्रोक होता है, पोइज होता है, टॉर्क्यू होता है या क्रीब होता है। सो द करेक्ट आंसर आपके पास में जो है वो बी हो जाएगा पोइज, क्योंकि विस्कोसिटी की यूनिट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें यूनिट तो पता ही होती है जनरली। थिक्सोट्रॉपी सस्पेंशन इज शेयर थिनिंग, शेयर थिकनिंग, डायलेटेंसी एंड रियोपैक्सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज शेयर थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंशन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, थर्ड ऑर्डर मिक्सड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एच एल बी वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरल सल्फेट इज 10, 40, 20 and 30। सो देखिए यहाँ पर एच एल बी वैल्यू सोडियम लॉरल सल्फेट की हाइएस्ट होती है 40, तो वो बहुत ही आसान, हमेशा एच एल बी भी क्वेश्चन आता ही है और यहाँ भी एग्जामिनर ने पूछा है। तो अब एच एल बी वैल्यू हाइएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, तो ये आप हमेशा याद करके चले, जनरली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओस्वाल्ड राइपनिंग इज इन्वॉल्व इन द दीज फॉर्मुलेशंस सस्पेंशन टैबलेट सॉल्यूशन एंड सिरप। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए सस्पेंशन, ओस्वाल्ड राइपनिंग जो है वो सस्पेंशन के अंदर हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन ये सस्पेंशन हो जाएगा, टैबलेट सॉल्यूशन और सिरप के अंदर राइपनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू द थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, डायलेटोमेट्री एंड माइक्रोस्कोपी, एक्सरे, डिफ्रैक्टोमेट्री। सो वॉल्यूम थर्मल और केमिकल इफेक्ट का पता हमें देखिए इसमें जो है वो डायलेटोमेट्री से पता लग जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर टेस्टेड फॉर डिजोल्यूशन इन सिमुलेटेड गैस्ट्रिक मीडियम, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक मीडियम फॉलोड बाय सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूड, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूड, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सिमुलेटेड गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल फ्लूड। सो द करेक्ट आंसर
is B option, simulated gastric medium followed by simulated intestinal fluid. Next is identify the drug delivery system which maintain constant drug level in blood or at a target tissue. Okay, so sustained release system, prolonged release system, delayed release system and controlled release system. This is the correct option of controlled release system. In meter dose inhaler, for achieving the therapeutic response, particle size should be okay, less than 10 micron, greater than 10 micron, less than 20 micron and greater than 20 micron. Okay, so correct option is less than 10 micron. Aapka correct option ho jayega. Next is plasma substitute provides collateral osmotic pressure, transport of O2, transport of CO2 and immunity. So correct answer is collateral osmotic pressure. Next is in parenteral injection, LAL test is known the presence of particles, excitocin, pyrogens and allergen. This is a very simple question. Hai. Pyrogen ki testing ke liye hum LAL test karte hain. Okay. Next question is lipstick renders lips colored, antiseptic, tasty and saloon. So lipstick kis purpose ke liye ki jati thi ki? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास में कि हम उसको लिपस्टिक को कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं. आइडेंटिफाई द सपोजिटरी बेस मटेरियल फ्रॉम फॉलोइंग थियोब्रोमा ऑयल, कोकोनट ऑयल, सॉफ्ट पैराबिन एंड अरेकिस ऑयल. तो देखिए यहाँ पर हम थियोब्रोमा ऑयल को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इन लोडिंग डोज इज टू गिव सफिशियंट इनिशियल ड्रग टू गेट द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, मेंटेनिंग द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, नीडेड डेली डोज एंड रिपीटेटिव dosing. Okay, so loading dose हमेशा sufficient initial drug to get steady state concentration पाने के लिए दी जाती है. तो first option आपका correct हो जाएगा. Next is mean resistance time indicate. Time required to eliminate 50% of the drug, time required to eliminate 63.5% of drug, average time required to eliminate 40% of the drug and next option is time required to eliminate 75% of the drug. सो देखिए यहाँ पर जो है 63.5% जो ड्रग है वो मीन रेजिस्टेंस टाइम के लिए इंडिकेट करता है. तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन ऑर्गन डज नॉट एलिमिनेट द ड्रग देन द एक्सट्रैक्शन रेशियो कुड बी 1:0 और लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1. सो the B option is the correct answer. Next question is glucose transport across GIT is active transport, passive transport, pore diffusion and passive diffusion. So glucose ka jo transport hota hai wo active transport hota hai. Okay, next one is basic pH partition theory is an interrelation of dissociation constant and lipid solubility, interrelation of lipid solubility and pH at the absorption site, interrelation of among pH at absorption site and lipid solubility, dissociation constant of a drug, interrelation of the surface area, pH absorption site. Okay, so यहाँ पर देखिए basic pH partition theory के बारे में जो question पूछा गया है उसमें आपसे उसके factors पूछे गए हैं कि कहाँ क्या कौन कौन से factors जो हैं वो इसमें interrelated रहते हैं. Okay, so interrelation among the pH at absorption site, lipid solubility and dissociation constant of the drug. C option is the correct answer. Next question is deviation of pH partition hypothesis can be explained by the taking the account of association of ionized form of the drug alone, existence of unstirred layer alone, combination of microclimate pH mucosal unstirred layer and absorption of the ionized drug, microclimate pH alone. Okay, so the correct option is C, combination of microclimate pH mucosal unstirred layer and absorption of ionized drug. Biology of tetracycline when administered with the milk.
increase unaffected, decrease and very much increased. So देखिए tetracycline क्या होगी, मिलके साथ bind कर जाएगी, तो उसकी biology decrease हो जाएगी. So C option is correct. Biology indicate rate of drug absorption alone, extent of drug absorption alone, rate and extent of the drug absorption, rate of drug metabolism. So देखिए इसमें जो है हमारे पास में rate and extent of the drug absorption is the करेक्ट आंसर. आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन में यहाँ पर पता होनी चाहिए. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा गया है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या क्या उसका कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है. ओके सो द ड्रग मेटाबॉलिज्म आफ्टर ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन. ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोइक्विवेलेंट डोजेस फॉर्म इंडिकेट. बोथ प्रोड्यूसर सेम एओसी, बोथ प्रोड्यूसर सेम टी मैक्स, बोथ प्रोड्यूसर सेम सी मैक्स, बोथ प्रोड्यूसर सेम टी मैक्स, सी मैक्स एंड एओसी. तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि बायोइक्विवेलेंट डोजेस क्या होती हैं और उनमें वो किस तरह से दो फॉर्म दो ड्रग्स हैं और अगर वो बायोइक्विवेलेंट है तो उनमें क्या क्या कॉमन हो सकता है. ओके तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. टी मैक्स, सी मैक्स एंड ए यू सी इनका सेम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल लेफ्रिन इज अ नासल डिकंजेशन, वासो सप्रेसन, माइड्रेटिंग एंड ऑल ऑफ द अबाव. ओके सो नासल डिकंजेशन भी है, वासो माइड्रेटिंग भी है, वासो वासोप्रेसन भी है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट वन इज वेरापामिल इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज पीआर इंटरवल. ओके सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया. रेस्ट थ्री ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इंक्रीज पीआर इंटरवल, ये तीनों इसके साथ में वेरापामिल के साथ में होते हैं पर हाइपरग्लाइसेमिया ये कॉज नहीं करती हैं. A drug that has its major effect in the distal convoluted tubule. Acetazolamide, amiloride, furosemide and metolazone. Okay, तो ये हमारा diuretic based question है. तो इसमें आपके पास में जो है metolazone is the correct answer. Next question is which of the following is the most effective in the treatment of peptic ulcer disease? Sumatriptan, nitroprusside, cimetidine and Ondansetron. Syndrome. So देखिए यहाँ पे peptic ulcer में कौन सबसे ज़्यादा effective होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ही anti-ulcer drug आपके पास में दी हुई है, that is cimetidine. So the correct answer is cimetidine. Okay. नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजिनेज. सो एस्पिरिन, जेफ्री लुकास्ट, मेसोप्रास्टोल एंड आइबुप्रोफेन. सो एस्पिरिन इज अ करेक्ट आंसर जो कि इररिवर्सिबल इनहिबिटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ एंटी सीजर एक्टिविटी ऑफ कार्बामाजीन, कार्बामाजेपिन इज. कार्बामाजेपिन क्या किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू एक्ट करता है. ओके तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा इसमें, ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल, ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ब्लॉकिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, इनहिबिशन ऑफ गामा ट्रांसमिनेज. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द सेलेक्टिव न्यूरोटॉक्सिसिटी ऑफ एमपीटीपी. ओके बेंजोट्रोपिन, लेवोडोपा, रोपिनिरोल एंड सेलिजिलिन. ओके तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिजिलिन जो है इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हेलोपेरिडॉल वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया, द एमेनोरिया, गलेक्टोरिया सिंड्रोम, साइजो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स एंड टोरेट सिंड्रोम. ओके so the B option is the correct answer, the amenorrhea and galactomenorrhea syndrome के लिए ये suitable drug नहीं है, बाकी तीनों के लिए हम इसको दे सकते हैं. which one of the
Following is a beta lactamase inhibitor: penicillinic acid, ambonic acid, clavulanic acid and cephalosporinic acid. So beta lactamase inhibitor jo hai hamare paas mein clavulanic acid hai, correct answer. Next is increased serum level of which of the following is associated with the decreased risk of atherosclerosis. देखिए LDL को हम bad cholesterol बोलते हैं और HDL को हम good cholesterol बोलते हैं. So यहाँ पर increased serum level अगर HDL का होगा तो वो atherosclerosis के risk को decrease करेगा. So correct answer हमारा हो जाएगा HDL. Which one of the following drug promote the release of endogenous insulin? कार्बोस ग्लिपिजाइड मेटफॉर्मिन एंड पायोग्लिटाजोन. सो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एंडोजीनस इंसुलिन की रिलीज को कौन प्रमोट कर देगा. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि मैकेनिज्म आपको लर्न होनी चाहिए सारे ड्रग्स की. तो देखिए ग्लिपिजाइड जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोनियाजाइड इज प्राइमरी एंटी ट्यूबुलर एजेंट दैट रिक्वायर pyridoxine supplementation causes ocular complication that are reversible if the drug is discontinued. Is ototoxic and nephrotoxic, should never be used due to hepatotoxic potential. Okay, so the correct answer is require pyridoxine supplementation. Dekhiye isoniazid ke sath mein hum pyridoxine ka supplementation dete hain. Next is mechanism of action of the topoisomerase is topoisomerase second inhibition, topoisomerase first inhibition, folic acid inhibition and purine inhibition. Okay, so the correct answer is topoisomerase second inhibition. Which of the following is used in the treatment of Cushing syndrome? CRH, GnRH, TRH and octreotide. ओके तो देखिए हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन है आ चुका है यहाँ पे और जो करेक्ट ऑप्शन है वो CRH हो जाएगा इसमें. वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ऑल्बिसर्टेन जिंटामाइसिन पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफिनिक. तो इसमें से पूछा गया है कि नैरो थेरापेटिक इंडेक्स किसका होता है. सो देखिए यहाँ पर जो है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है उसका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है. पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनिक जनरली हम लोग सभी लेते हैं और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती. ऑल्बिसर्टेन की भी हम मॉनिटरिंग नहीं करते बट जेंटामाइसिन की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन? एटोवास्टेटिन, सिटाग्लिप्टिन, बोसंटान और एसिटाज़ोलमाइड. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोसंटान. बोसंटान जो है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन के अंदर हम यूज़ करते हैं. रिसेंटली अप्रूव ड्रग है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस डिकॉक्सिन प्लाज्मा कंसनट्रेशन बाय फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म? कैप्टोप्रिल, लिडोकाइन, क्विनिडीन, सल्फासलाजीन. ओके सो द क्विनिडीन जो है हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है. ये इंक्रीज कर देगा डिकोक्सिन का प्लाज्मा कंसनट्रेशन क्योंकि ये क्विनिडीन को अगर हम डिकोक्सिन के साथ में देंगे तो फार्माकोकाइनेटिकली वो इसका जो है लेवल इंक्रीज कर देगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इम्यूनो सप्रेसेंट? ब्यूमेटानाइट, फिनेस्टेराइड, टैक्रोलिमस एंड ट्राजोडोन. सो टैक्रोलिमस जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर used in cancer? Imatinib, carmustine, vincristine and tamoxifen. So correct answer jo hamare paas mein hai wo imatinib hai. Next question is for titrating a weak and less reactive acid compound, which one of the following method is used? Direct titration with weak base, direct titration with strong base, peak titration by taking excess base, B and C option. Okay, so ye titration base hamare paas mein question aaya hai. तो इसमें क्या करेक्ट आंसर जाएगा? देखिए डी ऑप्शन जो है डायरेक्ट टाइटेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड बेक टाइटेशन विद टेकिंग एक्सेस बेस, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रेफरेंस शुड हैव हाई मॉलिकुलर वेट टू अवॉइड कैलकुलेशन एरर, रैंडम एरर, वेइंग एरर एंड डिटर्मिनेट एरर्स.
Okay, so the correct answer is weighing error. Next question is, silico tungstic acid is reagent used to estimate vitamin B1 using precipitation titration, redox titration, nitrate titration, and gravimetric method. So correct answer is gravimetric methods. Next question is, a pH meter can be calibrated using standard bases, standard acid, standard buffers, and any standard solutions. Correct answer is buffers use करेंगे क्योंकि pH meter can be उसी से calibrate हो सकता है. Next question is, IR spectra appears as a dip in the curve rather than maxima as in UV visible spectra because it is a plot of. Correct answer is percent transmittance against the wave number. C option is correct. Okay. Accuracy differs from precision in. बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरली पूछा भी जाता है. So the correct answer is C, degree of closeness with the true value. Next one is, fluorimetric method is essentially the correct answer is an emission method. Okay, the unit of measurement of conductance is mho. Correct answer. HPTLC differ from TLC in the following. Okay, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बहुत सी बार पूछा जाता है. तो किस में डिफर करती है, सैम्पलिंग में, पार्टिकल साइज में, एंड डिटेक्शन मेथड्स में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी इज जनरली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच मूव स्लोली, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच मूव स्लोली, पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर कलर्ड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर colorless. Okay, so the A option is the correct answer. Next one is, refractive index detector having the following advantage and disadvantage. Okay, so they respond to nearly all solute. This is the correct answer. Silation is one of the common derivatization technique of GC saints. Okay, so the correct answer is the product are usually volatile in the nature. GC and LC technique can be hyphenated with mass spectroscopic method because the options given are, in both of them sample can be volatile in the nature. This is the correct option. Theoretical plates in HPLC column are real and can be easily observed, hypothetical in nature, and they form the basis of separation. Although hypothetical and they can be observed on the column, they are more in number and height and low. Okay, so the correct option is the B option is the correct answer. Hypothetical in nature and form the basis of separation. GMP and GLP are mandatory regulation, legally valid regulation, FDA guidelines, recommendatory guidelines. Okay, बहुत ही important question है, generally पूछा जाता है, and these are the recommendatory guidelines जो कि recommended की जाती है. Ruggedness of an analytical method indicate its suitability in different condition, in variety of application, different temperature, and different reagent. So A option is correct, different conditions. Next question is, M.Pharm method of for chloride determining. Chloride determination is an example of redox titration, conductometric titration, acid base titration, and precipitation titration. Okay, so the D option is the correct answer. Atomizer is an important component of conductometer, flame photometer, voltammeter, and polarograph. Okay, so the B option is the correct, flame photometer. Next question is, half-wave potential is qualitative parameter, quantitative parameter, acidity and alkalinity indicator, polarity indicator. So the A option is the correct answer. Next one is, one of the following is not a primarily standard substance. This is benzoic acid,
पोटेशियम परमैंगनेट, सेलेनाइटेड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड. सो द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम परमैंगनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज रिलेटेड टू. सो इट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस एंड लेआउट. द सी ऑप्शन इज द करेक्ट. द फार्मेसी एक्ट एंड नार्कोटिक एक्ट एंड साइटिक सब्सटेंस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन द रिस्पेक्टिव ईयर. ओके, सो द सी ऑप्शन इज द 1948 एंड 1985 इज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. सो द करेक्ट आंसर इज डाइफेनाइल हाइड्रेंटोइन. ओके, एम्फेटामाइन, फ्लोरेजेपाम एंड पेंटाजोसिन ऑल आर द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. सी ऑप्शन इज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इक्विवेलेंस विद द इंडियन कॉलेज इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज इज ड्यूटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर एंड 2 ईयर. सो द करेक्ट आंसर इज 5 ईयर.